दोस्तों कहते हैं कि सियाने लोग हर काम सोच समझ कर करते हैं, लेकिन जो लोग ओवरलोडेड सियाने होते हैं इनकी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसे लोग कोई काम करने से पहले फायदा और नुकसान सोचने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी अकल इनके फेफड़ों में है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जो लोग महीनों दांत ब्रश नहीं करते थे वो भी हर रोज कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं ताकि मास्क पहनकर अपनी ही बदबू से मरने से बच सके। एनीवे ये तो अंदर की बातें हैं। वैसे अगर मास्क इस्तेमाल करने की बात करें तो इसे यूज करना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसे कानों के सहारे फेस पर लगा लिया जाता है। पर कुछ लोगों के लिए ये काम साइंटिस्ट बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये पॉलिटिशियन फेस मास्क लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पहले भाई साहब ने मास्क अपने माथे पर लगा लिया और फिर उतार कर इसे अपनी आंखों पर लगा लिया। इतनी मुश्किल तो ओपन हार्ट सर्जरी करते वक्त डॉक्टर्स को भी नहीं होती होगी। इसके अलावा इस वीडियो में अफ्रीका के शहंशाह कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने फेस मास्क लगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मास्क इतना शर्मीला था कि टिकने का नाम ही नहीं लेता था। वेल इनसे मास्क तो संभाला नहीं गया, हुकूमत क्या खाक संभालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो न्यूज रिपोर्टर आप देख रहे हैं इसने तो फेस मास्क लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़कर गटर में डाल दिए। इस सीन को देखने के बाद तो कोरोना वायरस का इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। ओ भाई मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों कहते हैं कि औरतें बहुत ज्यादा बातें करती हैं। मोहल्ले वाली आंटी 2 घंटे पूरे खानदान की बदखुइयां करके एंड पर कहती है कि छोड़ो हमें, क्या जो मर्जी करें हम किसी की हिम्मत नहीं करेंगे। खैर इनकी ये डिस्कशन किसी भी जगह स्टार्ट हो सकती है, मतलब किसी भी जगह पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें 2 औरतें अपनी स्कूटी पर बैठकर बातें कर रही हैं। ये बातों में ऐसी मगन है कि इन्हें होश ही नहीं है कि ये अपने ताए के घर पर नहीं बल्कि रोड के दरमियान में खड़ी हैं। इनकी इस अर्जेंट गुफ्तगू को देखकर ऐसा लगता है जैसे नई बहू के नखरे पर डिस्कशन हो रही है और इसे काबू करने की साजिशें चल रही हैं। बहरहाल जो भी हो, ये दोनों दुनिया से बिल्कुल बेखबर थी। पहले तो गाड़ी वाला रुक गया कि शायद आंटियां हट जाएंगी, लेकिन फिर इसे समझ आ गई थी कि ये दोनों मार्स पर पहुंची हुई हैं। जब इस ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो इन्हें होश आया और ये दोनों वहां से भाग गईं। वैसे जिस तरह ये घबरा कर इलैदा हो गईं, इससे ये बात तो कन्फर्म है कि दाल में कुछ तो काला है। दोस्तों आप सबको पता है कि टिकटॉक स्टार बनना आसान काम नहीं है। एक टिकटॉकर को अपनी शर्म, हया और गैरत सब कुछ नीलाम करना पड़ता है, तब जाकर वो एक टिकटॉक सेलिब्रिटी बनता है। वैसे नॉर्मली टिकटॉक वीडियोस 15-20 सेकंड की होती हैं, पर इन्हें बनाने के लिए बहुत ख्वार होना पड़ता है। ये जो खूबसूरत और हट्टे कट्टे भाई आप देख रहे हैं ये टिकटॉक पर अपनी डांस वीडियो बनाकर वायरल होना चाहते थे। वेल इसके लिए ये सबसे पहले अपने कमरे में गए और अपनी इज्जत उतार कर सॉन्ग लगा लिया और नाचना शुरू हो गए। अनफॉर्चुनेटली इनका वेट हाथी से सिर्फ 1.5 पाव कम था, जिसकी वजह से जब इन्होंने डांस शुरू किया तो उस इलाके में जलजला आ गया। इनका ये घर इस जलजले की ताब ना ला सका। पहले इनका टीवी टूटा और फिर दरवाजा उखड़कर जमीन पर गिर गया। अब बंदा हाथी जैसा जिस्म लेकर नचनिया बनेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों आप में से बहुत से लोग सिवैयां खाते रहते होंगे। ये एक ऐसी स्वीट डिश है जो हर किसी को पसंद होती है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ औरतें सिवैयां पकाती हैं और खास करके अम्मी के हाथों में तो जादू होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी निंजा को सिवैयां बनाते हुए देखा है? ये जो भाई आप देख रहे हैं ये ब्रूसली की फूफो के बेटे हैं। ब्लैक बेल्ट लेने के बाद इनको जॉब नहीं मिली तो इन्होंने जहूर भाई के खोखे पर सिवैयां बनाने का काम शुरू कर दिया। इस वीडियो में ये सेवियों के पैकेट को कुंग फू स्टाइल से ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। वेल फर्स्ट क्लास में तो इन्होंने बड़ी ही कूल तरीके से पैकेट को किक मारी ताकि पैकेट नीचे से खुल जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो पैकेट खुला नहीं बल्कि फट गया और इस स्टाइल के चक्कर में सारी सिवैयां नीचे गिर गईं। ये सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों अगर हेयर स्टाइल्स की बात करें तो आजकल के मम्मी डैडी बच्चों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। शक्ल चाहे कद्दू जैसी हो, हेयर स्टाइल नेमार जूनियर और रोनाल्डो जैसा होना चाहिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लड़का दुनिया का एक अनोखा हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आया था। बार्बर ने इसके ऊपर वाले बाल छोड़कर सर के नीचे वाले हिस्से पर वैक्सिंग जेल लगा दी। नॉर्मली तो ये काम उस तरह से हो सकता है, लेकिन मम्मी डैडी बच्चों को ऐसा ओल्ड स्टाइल पसंद नहीं आता। एनीवेज बार्बर ने जब इसके सर से वैक्सिंग रुकी तो इस लड़के की चीखें निकल गईं। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बालों के साथ साथ इसकी चमड़ी भी उतर रही है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों
आप सबने बहुत से ऐसे अमीर लोग देखे होंगे जिनमें हद से ज्यादा एटीट्यूड होता है। इन लोगों का बस चले तो ये जमीन पर पांव ही ना लगाएं, लेकिन कभी कभार कुत्ते की दुम भी ट्रक के नीचे आ जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक अमीर शख्स बारिश के मौसम में अपनी कार के अंदर जाना चाहता था। नीचे पानी था तो इसने अपने नौकर से गाड़ी के करीब लकड़ी का कैरेट रखने के लिए कहा। इस बेचारे वर्कर ने खुद गीला होकर इसके लिए रास्ता बनाया ताकि सेठ जी कार में दफा रेट हो जाएं। पर मजे की बात यह है कि जब सेठ जी ने इस ब्लॉक पर पांव रखा तो इनका बैलेंस आउट हो गया और ये स्लिप होकर पानी में गिर गए। जब बंदा दूसरों को हकीर समझकर अपने आप को बादशाह समझता है तो इसके साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने बिल्डिंग्स में बनाई जाने वाली कार पार्किंग्स देखी होंगी। खास करके बेसमेंट पार्किंग में सिर्फ कार्स को ही पार्क किया जा सकता है और वहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक ड्राइवर अपनी वैन को बिल्डिंग की पार्किंग में ले आया। अनफॉर्चुनेटली इस फ्लोर की हाइट बहुत ही कम थी जिसकी वजह से इसकी वैन का ऊपर वाला हिस्सा छत से टकरा गया। एनीवेज ड्राइवर ने फिर भी हार नहीं मानी और छत रगड़ता हुआ वहां से निकल गया। वीडियो में एक अंकल अपनी स्पोर्ट्स कार पर मोहल्ले की गलियों से शॉर्टकट मारना चाहते थे। अफसोस वहाँ जगह बहुत ही कम थी और इनकी कार दो दीवारों के दरमियान में फंस गई। वेल कभी कभार शॉर्टकट्स काफी महंगे भी पड़ सकते हैं। दोस्तों आप सबने एटलीस्ट एक दफा फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट किया होगा। नॉर्मली किसी सोफा वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए लॉरी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो साइज में काफी बड़े होते हैं। लेकिन क्या आप कार में सोफा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो दोस्त एक ह्यूज सोफे को एक SUV के छत पर रखकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से एक शख्स ने कार का दरवाजा खोलकर सोफे को मजबूती से पकड़ा हुआ है। मजे की बात यह है कि ये लोग इस सोफे को लेकर मोहल्ले की गलियों में नहीं बल्कि हाईवे पर जा रहे हैं। वेल ऑनेस्टली ऐसे लोगों को कार नहीं बल्कि डाला सूट करता है। ये सच में पागलपन है। दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी वेडिंग्स देखी होंगी जिनमें लोग फायरिंग करते हैं। अपनी तरफ से तो ये खुशियां मना रहे होते हैं लेकिन कभी कभार इतनी ज्यादा खुशी पचती नहीं है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक वेडिंग में फायरिंग करके वलीमा खा रहा था। भाई साहब खाने को देकर होश खो बैठे और गन को बिटवीन टू लेग्स रखकर ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली दफा देखा हो। वेल जस्ट इमेजिन कि अगर गोली चल जाए तो ये खुद शादी के काबिल नहीं रहेगा। ये सच में हमाकत है।